मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। और बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही, वैसे तो मिनी ब्लॉग बना देती हूँ, बट वैसे प्रॉपर आज है संडे। सो अभी उठी हूँ मैं, मतलब 10:15 हो रहे, मतलब 15 मिनट पहले ही उठी हूँ, समझ लो 10 बजे। क्योंकि संडे मैं सोचती हूँ जुड़े, कि बाकी दिन तो मैं 5:30 उठती हूँ, तो मैं संडे भी मतलब संडे जिम की छुट्टी करती हूँ। और मतलब सोचती हूँ काफ़ी चीज़ों से रिलैक्स मिले, क्योंकि चाय गिरने लग जाती है तो ये हो जाता है। तो फिर वही मैंने लेट उठना होता है, फिर वो संडे तो ये होता है कि लंच ब्रेकफास्ट एक साथ हो जाता है। और आज मैंने सोचा है, अब चाहे आपको सब ब्रेकफास्ट नहीं बोला, आज मैं पाव भाजी बनाने वाली हूँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है पाव भाजी। और मैं ये सोच रही हूँ अरबी के पत्ते का किसने बना रखा है, मैं फर्स्ट टाइम बना, मैंने खाया तो बहुत है, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं, खाया बहुत है। हमारे यहाँ यूपी साइड में बनता है, बिहार में बनता है, तो यूपी में बनता है, मम्मी बनाती थी। हमारे यहाँ उधर आजमगढ़ साइड जिसको रिक्वेज बोलते हैं, और जो इधर अकबरपुर है इधर साइड, जिसको शायद वो बोलते हैं सरीना, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अरबी के पकौड़े भी बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, तो हर जगह अलग अलग होता है। सो आज मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर, नहीं तो शादी से पहले मम्मी इतना अच्छा बनाती, शादी बार मतलब मेरी मदर इन लॉ सासू माँ, और कई बार होता है निरम दीदी जो है उनको भी आता था, वो मुझे बना के भिजवा देती है, जिनको आता है सब मुझे बना के। अब मैं ट्राई करने जा रही हूँ, देखते इतने सालों बाद, मतलब मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही, मैंने कहा चलो अब तक नहीं किया, लेकिन आज मेरा मन था, मैं हमेशा देख के आती ना चली आती हूँ, या फिर मैं सोचा मैं खुद बना के देखूँगी कैसा बनता है। मैं बेसन से ही बनाऊँगी, और भी पता क्या क्या डालते, दाल भी डालते हैं गाँव में, तो वो उड़द की दाल वाल भी पीस कर, लेकिन मैं बेसन से ही बनाऊँगी। बस ट्राई, पाव भाजी तो कई बार बना रखी है, खा रही, इसको पहली बार बनाऊंगी, कैसा बनता है बताती हूँ आपको। फिलहाल मैं जा रही हूँ चाय पे। सो ये मैंने बनाया था पाव भाजी, सो बस पिक्सी ली थी, तो एंड देन उसके बाद इतनी बारिश हो रही थी, इतना प्लान बनाया था कि जाएंगे, जाते तो हम ही है, लेकिन बारिश भी शाम को, और बहुत अच्छी खासी वाली बारिश मतलब हो रही थी, कि मतलब आप देख सकते हो कि बारिश कितनी हो रही। फिर उसके बाद बारिश बंद हुई, तो फिर मैं रेडी हो गई, मतलब रेडी होने के लिए, तो इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखी ऑलरेडी अपने चैनल पे, तो जाके आप देख सकते हैं। सो बहुत सिंपल सा ही मैंने लुक किया था, क्योंकि ऐसे ही बाहर जा रहे थे ऑब्वियसली। सो ये हो गई मैं रेडी, बस यहाँ माई हो रही थी, माई को मैं कुछ माई पूछी थी मैं ये पहनूँ कि क्या पहनूँ, और बाल को तो मैंने एक साथ ऐसे ही बर्न बना लिया था। सो बस ऐसे ही रेडी हुई थी, और शॉर्ट वीडियो जाके आप मेरे चैनल पर देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो अभी बज चुके हैं शाम के 6:30, और हम लोग रेडी हो चुके हैं, मैंने पहना ये सूट, सो गेट रेडी मी बनाया, गेट रेडी विद मी। हाँ देखो कहाँ तुमने रखी, और बस हम लोग जा रहे हैं, पहले मुझे ग्रॉसरी का सामान लेना है। ब्लश लगाया मैंने, मॉइस्चराइजर लगाया थोड़ा सा कॉम्पैक्ट एंड ब्लश, और मस्कारा लगाया है, लाइनर वाइनर नहीं लगाया, शेडो नहीं लगाया है, मन नहीं था तो नहीं लगाया, ऐसे स्किन अच्छी लग रही है आजकल, अपनी स्किन से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है मुझे, क्योंकि स्किन काफ़ी बहुत अच्छी अच्छी हो गई है, कोई फिल्टर नहीं है, जो थोड़े बहुत धब्बे हैं वो लोग आप लोगों को दिख ही रहे हूँ। मैंने कोई आज कंसीलर या कुछ भी नहीं यूज़ किया है, कुछ भी नहीं, सो इससे स्किन जितना नेचुरल रखो उतना ही अच्छा है। एंड बस हम रेडी हो चुके हैं, सो आप लोग सामान सोच रहे हो ग्रॉसरी का सामान लेने रेडी, बहुत रेडी भी नहीं हुई बट ऐसे लग रहा है, क्या लगता है ना, बिंदी लिपस्टिक को सिंदूर लगा लो तो वैसे ही इतना चेहरा खिल जाता है। देन हम जा रहे, फिर उसके बाद थोड़ा सा देखे भी जाते हैं। सो चलिए, सो हम लोग निकल गए, हमारा था कि पहले हम यहाँ से ग्रॉसरी ले लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मतलब जाएंगे, हम साउथ दिल्ली साइड सोच रहे थे साकेत जाने के लिए, हमने सोचा हम साकेत जाएंगे, और मतलब वहाँ पे हमने सोचा था कहीं जाके कुछ ना कुछ खाएंगे, थोड़ा सा हो जाएगा, लास्ट संडे तो मैं इस थे ही नहीं, तो हमने फिर यही सोचा कि ग्रॉसरी ले लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ चलेंगे। सो पहले से ही मेरी प्लानिंग थी, मतलब मैंने एक दो दिन पहले ही बोला था। इतनी तेज़ हवा चल रही थी, और वेदर भी ऐसा हो गया था ना कि मतलब बहुत ही अच्छा, और मतलब इतना ज़्यादा बिजी था कि 8th फ्लोर तक उसमें पार्किंग थी, हम सबसे टॉप वाले पे ही, क्योंकि पूरा भरा हुआ था,
एंड देन यहाँ माही तो बस कपड़े ही देखने लग जाती, क्योंकि रिलायंस स्मार्ट से हमने लिया था, घर के पास है तो हम यहीं से जाके ग्रॉसरी ले आते हैं। तो माही अपने लिए टी शर्ट्स और देख रही थी, क्योंकि उसको जाना है, स्कूल ट्रिप जा रही है उसकी 3 दिन के लिए, तो वो जाने वाली है 17 को, तो अपनी अलग ही प्लानिंग कर रही थी वो कि क्या क्या लूँ, जाना 3 दिन के लिए और बस पूछो मत, ये भी ले लो वो भी ले लो। और जबकि अभी इसका बर्थडे था लास्ट मंथ, तो इसने बहुत सारे कपड़ों की शॉपिंग की थी, बट अब ट्रिप पे जाना है तो उसके लिए उसको अलग से चाहिए। और इतने सारे उसके क्लोथ्स है जो वो पहनती भी नहीं, बस ले लेके रख देती है, फिर वो लगता है कि वेस्ट ऑफ मनी, बट वही है ना बच्चों का, आप लोगों को पता ही है। और आई वो चीज़ें ले रहा था जो उसको लेनी थी, वो उसकी आदत है, जब भी हम ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो उसको जो पसंद आता है वो अपने आप ही रख लेता है, कि उसको क्या क्या लेना है क्या क्या खाना है, मोस्टली वो अपनी फेवरेट चीज़ें ही उठाता है। सो हम यहाँ ग्रॉसरी ले रहे थे, फिर उसके बाद महेश को सडन याद आया कि ग्रुप में मैसेज आया कि उनकी रिव्यू मीटिंग है और नेक्स्ट डे, तो ये होता है कि तो उन्होंने बोला मुझे थोड़ी प्रिपरेशन करनी है रिव्यू मीटिंग के लिए, और ये होता है जिस दिन रिव्यू मीटिंग होती है महेश की, उस दिन क्या महेश को जल्दी जाना पड़ता है। सो हमारा जो साकेत जाने का प्लान हुआ वो हमने किया कैंसिल, क्योंकि हम वहाँ जाते तो हमें रात को 11-12 बज जाते। फिर हमने ये प्लान बनाया मॉल में ही, इसी में हमने पिज़्ज़ा खा लिया, हमने कहा चलो पिज़्ज़ा खा के चलते, क्योंकि मैं इसको 1-2 घंटे काम करना था और नेक्स्ट डे उनकी रिव्यू मीटिंग थी, तो हमारा साकेत वाला प्लान कैंसिल हो गया। और पिज़्ज़ा के लिए भी बहुत वेट करना पड़ा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, मैं आप लोगों को क्या पता, बहुत ही ज़्यादा। सो फिर पिज़्ज़ा मंगाया, पिज़्ज़ा हम लोगों ने खाया, और करते ही क्या, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। मैं इसको बोले मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटे का लैपटॉप पे काम करना है, मैं तो माइंड से निकल गया था कि मेरी रिव्यू मीटिंग भी है कल। सो मैंने कहा कोई बात नहीं, बोले अब क्या करें, मैंने कहा क्या कर सकते हैं, अब यही है कि यहीं कुछ खाते हैं और फिर घर पे चलते हैं, और कोई प्लान नहीं, क्योंकि ये घर से 5 मिनट के रास्ते पे था। तो खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए, ज़्यादा दूर था नहीं मॉल हमारे घर से, समझ लो 5-7 मिनट गाड़ी, इससे ज़्यादा नहीं लगता। सो वहीं से हम सामान ले लेते, फिर हमारा जो प्लान था वो कैंसिल करके हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा खाया, और फिर उसके बाद हम लोग घर की तरफ चले गए। फिर बस क्या, फिर उसके बाद वही, मतलब थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ मेरा, बट कर भी क्या सकते हैं। घर चले आए हम लोग फिर। गाइज हम आ चुके हैं, एक्चुअली मेन तो हमें ग्रॉसरी का सामान ही लेने जाना था, बट हमने सोचा था कि हम चले जाएंगे, हमने साकेत साइड जाने का प्लान बना था, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको तो पता ही साकेत का है, साउथ दिल्ली साइड जाने का, बट प्रॉब्लम ये थी कि मैं इसको अचानक याद आया कि उनकी, अरे कल तो रिव्यू मीटिंग है, जिस दिन रिव्यू मीटिंग होती है उनको मॉर्निंग में अर्ली जाना पड़ता है और काम भी होता है कुछ, आई डोंट नो व्हाट इज़ द। तो फिर हमने सोचा कि हम साकेत जाएंगे तो हमें रात को 11 से 12 बज सकता आने में जाने, क्योंकि यहाँ से हमारे इधर से थोड़ा सा जाना पड़ता, आधा पौना घंटा लग जाता है, क्योंकि जाम भी बहुत दिल्ली में होता है, वो बहुत आम बात है आप लोगों को पता ही है। सो ग्रॉसरी फिर हमने डिसाइड किया कि चलो नेक्स्ट संडे या बाद में प्लान बना लेंगे, बहुत दिनों से सोचा था, क्योंकि लास्ट संडे महेश थे नहीं, मैं गई तो थी बच्चों के साथ, बट वो होता है कि मैं पति के साथ तो एक वो भी होता है ना, पति पूरी फैमिली जाती तो ज़्यादा अच्छा लगता, तो हमने इस संडे भी नहीं हुआ, तो नेक्स्ट संडे लेट्स ही देखते कि जा पाते हैं, कुछ नहीं पता, फिर बाद में जाएंगे, वो होता नहीं थोड़ा, क्योंकि घर के पास तो घूमना देखो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो हमने सोचा था भाई ग्रॉसरी का सामान लेके, तो सामान तो ले लिया, वो बहुत नेसेसरी था, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो हमें लाना ही लाना था, तो सामान तो ले लिया हमने। एंड देन बस अब रात के फिर भी 10:30 बज चुके, आप ही देख लो मैं अपना काम कर रहे लैपटॉप पे, उनको भी 1-1.5 घंटा लगेगा और आधा घंटा मुझे भी अभी लगेगा, मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने, थोड़ा सा सामान जो मतलब फ्रिज वाला है उसको फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि वो फिर वो हो जाते ख़राब हो जाते, बाकी तो मैं जो बाकी दाल और जो भी ग्रॉसरी का है तो कल मैं सेट करूँगी, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, बिल्कुल हिम्मत नहीं है, कल मैं जल्दी चलेगी तो मैं इस दो जिम जा नहीं पाएंगे, सो कल मैं अकेली ही जाऊंगी। और मैं कल है मतलब जिम तो आप जब चाहे तब करो, मतलब जिम का भी है, लेकिन वो जो योगा जुम्बा का ना उनका एक टाइमिंग है, शाम को होता है या मॉर्निंग में होता है, तो कल है योगा क्लासेस, तो कल मैं करूंगी योगा। कल मैं सोची थोड़ा सा बस रनिंग और ट्रेडमिल पे वही जो थोड़ा सा कार्डियो डो करने के बाद थोड़ा सा योगा कर लूँगी, कल मैं कुछ वेट ट्रेनिंग का कुछ नहीं करूँगी, कल मैंने यही सोचा कल मैं योगा ही करूँगी, जैसे मुझे कार्डियो डो थोड़ा सा कर लूँगी, क्योंकि आज पिज़्ज़ा खाया मैंने, मजर क्या कर गाइस बहुत दिन बाद, तू छोटा मोटापा मेरा तू ले लो, मैं कह रहा हूँ बहुत दिन बाद ब्लॉग में आया हूँ, बहुत दिनों बाद मैंने ब्लॉग बनाया भी है आई थिंक, और देख सकते हो टॉमी दस में क्या हालत थी और अब क्या हो रही है, आधा घंटा वेटिंग थी, ज्यादा वेट हुआ, आधे घंटे से पहले ही आ गया था, नहीं नहीं भाई आधा घंटे से पहले आ गया था, नहीं क्योंकि वो क्योंकि बोल वहाँ पे लेटर में लिखा था क्या आधे घंटे से लेट हुआ तो फ्री मिलेगा, तो टोटल ऑलरेडी हो गया, तीनों एक पैकेट ले, बहुत नींद आ रही है,
क्योंकि आज मैंने काम भी बहुत ज्यादा किया था। इतना पहले ऐसे रेडी बन रहे कि इन्होंने नहीं इन्होंने नहीं पीते। अरे क्यों नहीं आप नहीं नहीं। सो अब बस तो चलिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं, वरना तो बड़ा छोटा सा ही है सोचा था, पर वो होता है कि काम ज्यादा जरूरी है, घूमना तो नेक्स्ट संडे भी हो जाएगा, घूमते ही रहते हैं आप लोगों को पता ही है आदमी की घूमना। सो चलिए गाइस इस ब्लॉग का ये पेंट करते हैं। वेदर का तो दिल्ली का पता ही नहीं, कब धूप कब बारिश, बारिश इतनी तेज आ गई थी आज। और आज है 7 मई। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट बेल का दबा देना, नहीं तो अगली वीडियो नहीं आएगी। और जो जो लाइक सब्सक्राइब करेगा उसको रसना मिलेगा। मजाक कर रहा हूं, क्या मिलेगा कुछ नहीं, दिखाओ दिखाओ रसना। क्यूआर कोड नहीं है गाइस इस पे, कोई नहीं। सो चलिए गाइस ब्लॉग का यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय बाय।